good morning students today we will be doing paintings of mughal school of arts as earlier also we have studied of mughal school of arts it was started during the king of babar then come the himayu and during himayu since akbar period it is developed akbar ki hamare kalaka chahumuki विकास हुआ क्योंकि अकबर एक अच्छा कला प्रेमी था वह चाहता था कि इसमें हिंदू मुस्लिम सभी कलाकार मिलकर काम करें दैन ड्यूरिंग जहांगीर टाइम पीरियड्स आर्ट रीच्ड टू इट्स पीक जहांगीर के समय में कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी जहांगीर एक अच्छा कला प्रेमी था वह प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम करता था इसीलिए उसके समय में सबसे अधिक पशु पक्षी और पर्यावरण के चित्र प्राप्त हुए हैं आज हम जिस चित्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह चित्र भी जहांगीर के समय का बहुत प्रसिद्ध चित्र है जो उस्ताद मंसूद के द्वारा बनाया गया है द फर्स्ट पेंटिंग विच वी आर गोइंग टूडे अफालकुन On the bird rest the painting made under Jahangir. So Jahangir as a known a great lover of poet, music, art. So we had a big workshop of art. He ordered this painting Ustad Mansur, Ustad Mansur was a great painter of Mughal school. He was specialist. Making of birds and animal with such a great detail. We know the Ustad Mansur, other name was Nadir ul Azhar, is signed by Ustad Mansur, who was awarded this title. Now, this painting description is: This is a very beautiful painting of bird, which was Jahangir. Favorite bird and killed by a cat. In this painting, background is flat, and a falcon sitting on bird rest very beautifully. Detail of the feather of the falcon, specially the cruel eyes of falcon, can be seen in this painting. Very excellent use -brush shown in this painting. On the top, you can see. Jahangir Patshaha means Jahangir Badshah. It is a very beautiful vertical painting. The bird in the center. It is composition nicely. So the whole view of the painting look goes to the eyes of falcon. First then to the detail of the feather and color scheme very sober. एट लास्ट द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द मुगल स्कूल हमें पेंटिंग को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हमें जो बुक में इमेज दी हुई है उसको हमें बहुत ध्यान से देखना है और पढ़ना है उसमें क्या दिया है किस तरीके के कलर हैं उसमें कुछ रिटर्न मैटर है उसकी बाउंड्री कैसी है वो सब बातें अपने दिमाग में हमें अच्छे तरीके से बैठा लेना है जैसे हमारी इस पेंटिंग की बैकग्राउंड येलो कलर की दी हुई है और और नीचे के भाग में भूरे रंग का प्रयोग किया गया है हरे रंग से छोटी छोटी पतियाँ भी उसमें बनाई गई हैं बाज की शरीर का रंग सफेद बनाया गया है और उसके पंखों में भूरे काले रंग का प्रयोग किया गया है उसकी आंखों की करूरता बहुत सुंदर दिखाई दे रही है चोंच का हिस्सा भी आगे बहुत नुकीला दिखाया गया है वह एक छोटी सी पतली टोरी के सहारे अड्डे के साथ बंधा हुआ है वह जिस अड्डे पर बैठा है वह गद्देदार मालूम पड़ता है और उसका रंग हरा है जिस अड्डे पर वह बैठा है उसके नीचे उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है पर जो जहांगीर पट लिखा गया है उसका मतलब है बादशाह जहांगीर और बाद के पास में बहरी शब्द लिखा है उसका मतलब है बाद और नीचे उत्तम लिखा है इसका मतलब है एक्सीलेंट हम ये जो पेंटिंग के बारे में आज पढ़ा है आशा करता हूँ आप सभी को यह समझ में आया होगा अगर इसमें आपको कोई त्रुटि लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको और अधिक इम्प्रूव कर सकूं थैंक यू डियर फ्रेंड्स आपके सामने जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ ओके बाय बाय